10 थाट हम इसमें बजाना सीखेंगे। हम सी स्केल का एग्जांपल लेंगे। सी स्केल बिगिनर्स के लिए बहुत ही आसान होता है। तो सबसे पहले हम स्वरों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर आपको पता भी हो तो अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है वो देख लीजिए एक बार। 7 शुद्ध स्वर होते हैं, सा रे ग म प ध नि सा। ये 7 शुद्ध स्वर, सा को दोबारा काउंट नहीं करना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इनमें 7 में से जो 2 स्वर हैं सा और पा, ये कांस्टेंट रहते हैं, यानी कि ये फिक्स रहते हैं, अचल स्वर बोला जाता है इनको। और बाकी जो बचे 5 के विकृत स्वर ये रहे। ये जो 5 है इनके विकृत स्वर हैं। कैसे? देखिए, सा और पा के बाद कौन बच रहा है? रे ग म ध नि, ठीक है। तो ये रे शुद्ध, ये रे का कोमल रे, ये गा शुद्ध, ये गा का कोमल ग, मा मा। देखिए ये एक पिच हायर नोट में जा रहा है, इसीलिए ये मा, तो ये मा का तीव्र नोट बोला जाएगा, ठीक है, तीव्र स्वर। उसके बाद ये तो पा है, कॉन्स्टेंट है, ये सा और पा अचल स्वर है। पा के बाद ये धा आता है, धा का ये धा कोमल धा, ये नी का ये नी कोमल नी। तो फिर से ये ऐसे ही रिपीट होता है। तो आप देख सकते हो ये सी का स्केल है, सारे गा मा पा धा नी सा, ये सारे शुद्ध स्वर हैं, ये 5 विकृत स्वर हैं जो कि रे ग मा धा नी, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। सा और पा अचल स्वर रहते हैं, ये शुद्ध के शुद्ध ही रहते हैं किसी भी स्केल में। तो अभी हम सी स्केल में सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। हमारे जो 10 थाट हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है बिलावल, फिर कल्याण, खमाज, भैरव, काफी, आसावरी, भैरवी, पूर्वी, मारवा, तोड़ी। ये 10 थाट हैं। तो अगर आप इन 10 थाटों को किसी भी एक स्केल में आप अच्छे से बजा लेते हैं, इसका रियाज कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप किसी भी सॉन्ग को सुन करके बजा सकते हैं, कुछ भी बजा सकते हैं आप सुन करके। तो ये जो फॉर्मूला है, आपको किस तरह से इसे पुटअप करना है आज हम सीखेंगे। तो इसे बोल बोल के बजाना है आपको। तो शुरू करते हैं बिलावल से। बिलावल में सभी शुद्ध स्वर प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए, सा रे ग म प ध नि सा, नी ध प म ग रे सा। ये हमारा बिलावल हो गया। अब हम बजाएंगे कल्याण। सा रे लिया है, ये मां का तीव्र नोट है। तो कल्याण थाट में तीव्र मां का प्रयोग होता है और बाकी सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। तो तीव्र मां का जब प्रयोग होता है तो शुद्ध मां को हम स्किप कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने बिलावल में सभी शुद्ध स्वर नोट बजाया, तो कल्याण में हम एक तीव्र मां को लेते हैं, बाकी सभी शुद्ध स्वर को लेते हैं। अब हम आते हैं खमाज में। खमाज में हमारा नी कोमल यूज होता है, ठीक है, ये रहा, ये नी कोमल है। अब देखते हैं, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। ये हमारा खमाज हो गया। अब बिलावल, कल्याण, खमाज, अब भैरव। भैरव में रे और धा कोमल स्वर प्रयोग होता है, बाकी सभी शुद्ध स्वर। तो देखते हैं, जब हम कोमल स्वर को लगाते हैं तो उसी का शुद्ध स्वर को हम स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, भैरव में रे और धा कोमल लगेगा।
सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग र सा। ये हमारा भैरव थाट हो गया। बिलावल, कल्याण, खमाज, भैरव, अब हो गया काफी। काफी थाट में ग और नी कोमल लगेगा। सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। ग और नी कोमल लगा काफी थाट में। काफी के बाद अब आसावरी। आसावरी में क्या होता है, ग ध नी कोमल स्वर लगते हैं, बजाते हैं। सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। ये हो गया आसावरी। आसावरी के बाद भैरवी। भैरवी में रे ग ध नि कोमल लगता है। सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। ये हमारा हो गया भैरवी। भैरवी के बाद पूर्वी आता है। पूर्वी में रे ध कोमल और मा तीव्र का प्रयोग होता है। देखिए किस प्रकार से। सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। तो आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब हमने भैरव बजाया तो उसमें रे धा कोमल लगता था। इस पूर्वी में क्या चेंजेस है, इसमें सिर्फ एक मा तीव्र यूज हुआ, इसीलिए ये पूर्वी हो गया। रे धा कोमल के साथ मा तीव्र। पूर्वी के बाद मारवा थाट आता है। मारवा में रे कोमल, मा तीव्र, बाकी सभी शुद्ध स्वर का प्रयोग होता है। बजाते हैं। सा रे के बाद अब अंत में तोड़ी थाट। तोड़ी में रे ग ध कोमल और मा तीव्र का प्रयोग होता है। बजाते हैं। सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म। ये हमारा 10 थाट कंप्लीट हो गया। तो इसे आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, रोज आपको इसे एक-एक मतलब एक थाट को दो-दो बार रिपीट करना है, सिर्फ बोल-बोल के सारे गमा पाधाने से। अभी मैं एक-एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। बिलावल, सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। कल्याण, सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। खमाज, सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। खमाज के बाद भैरव, सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। भैरव के बाद काफी, सा रे ग म प ध
बाद आ सा वरी सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा आ सा वरी के बाद भैरवी सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा भैरवी के बाद पूर्वी सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा पूर्वी के बाद मारवा सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा मारवा के बाद अंत में तोड़ी सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। तो आपको इसे रोज 10 थाट में सारे गामा पाधानिसा दो दो बार बजाना है। आप यकीन मानिए इसे आप 30 दिन तक बजाइए, उसके बाद आपको खुद को पता चलेगा आप किसी भी सॉन्ग को सुन करके बजा सकते हैं। तो इस चैनल पर अगर आप नए आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ मैं हारमोनियम, पियानो और कीबोर्ड ये तीनों चीज़ों को सिखाने वाला हूँ।